कुसमुंडा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आक्रोश रैली निकाल, कोयला मंत्री का फूंका पुतला। रोजगार व पुनर्वास की मांग को लेकर SECL के कुसमुंडा मुख्यालय में धरना पर बैठे भू विस्थापित किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर पूर्व घोषणा के अनुसार मंगलवार को आक्रोश रैली निकालकर भू विस्थापितों ने कोयला मंत्री के नाम का पुतला जलाया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ किसान सभा के सहयोग से रोजगार एकता संघ के बैनर तले पिछले 100 दिन से भू विस्थापित जमीन अधिग्रहण के बदले रोजगार व पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 बार खदान बंद आंदोलन भी कर चुके हैं। भू विस्थापित व किसान सभा के पदाधिकारियों ने कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने कोयला मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पानी डालकर पुलिस के जवानों ने बुझा दिया। इसके बाद भी भू विस्थापितों ने पुलिस से झूमाझटकी के बीच कोयला मंत्री का पुतला जलाने में कामयाब हो गए। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि SECL में मुआवजा, पुनर्वास व रोजगार के मामले लंबित हैं। इसको लेकर भी केंद्र सरकार संसद में गलत जानकारी देती है। उन्होंने कहा कि किसानों से औने पौने भाव में जमीन तो छीन ली गई है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रभावितों को रोजगार व पुनर्वास नहीं दिया गया है। भू स्थापित किसान जो है लगातार 100 दिन से आंदोलनरत है। 21 अक्टूबर को खदान बंद करने के बाद में 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जब तक जिन किसानों की जमीन SECL ने ली है उन किसानों को रोजगार नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन जारी है। और लगातार जो है भू स्थापित किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है SECL के वादा खिलाफी के खिलाफ में। SECL ने खदान को खोलने के लिए किसानों को धोखा देकर के जमीन लिया, और जमीन लेने के बाद में 40 साल से किसान भटक रहे हैं। रोजगार की मांग को लेकर के अब भू स्थापित किसान आर पार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आज 100वें दिन में एक विशाल जन आक्रोश सभा हुआ और कोयला मंत्री का पुतला फूंका गया है, और SECL मैनेजमेंट और कोल मंत्रालय को इस मंच के माध्यम से आगाज बताया जा रहा है कि फरवरी तक सभी भू स्थापितों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, अन्यथा मार्च में कोयला खदान पूर्ण रूप से बंद होगा और कोयला कुसमुंडा से बाहर नहीं जाएगा। इस बात को SECL और कोल इंडिया पूरा ध्यान से सुन ले, और गुस्सा जो है अब मार्च में बड़े विस्तार रूप में फूटेगा, जिसमें कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, कोरबा चारों एरिया के किसान एकजुट होकर के कुसमुंडा माइंस को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।